Good afternoon, guys. Hello. Good afternoon to you all. I hope you're enjoying your Saturday. Wonderful. Okay. So, guys, please quickly join so that we can start with the session. It's 3 o'clock और हम 3 o'clock क्या करते हैं? नीट 2020 टारगेट का पढ़ते हैं, राइट? तो एक आपकी टिश्यू बची हुई थी, है ना? एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू बचा हुआ था, तो वो आज हम कर लेंगे. हेलो काजल, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके गाइज, सो प्लीज क्विकली ज्वाइन बाय द टाइम आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन. जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग डिस्कस कर सके, है ना, एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर. हेलो फाल्गुनी, हेलो. तो एनसीईआरटी भी डिकोड करेंगे जैसा कि हम हर टिश्यू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो मैं एनसीईआरटी से भी बताती हूँ, है ना, और फिर मैं अपना अलग भी एक नोट्स दे देती हूँ, राइट? तो हम वही करेंगे. हेलो प्रभात, ओके, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. एंड प्लीज गाइज क्विकली ज्वाइन एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन टू. And we are going to start with this amazing session on epithelial tissue. So I welcome you all to our channel, that is Neat Voyage, on the platform of Unacademy. And most of you already know me. Those who are new, hello Imran. Okay, good afternoon. Those who are new, I am Swagata Mukherjee, and I have more than 5 years of experience in teaching field, and I have taught in major offline institutions of India. I have produced certain results in AFMC, in ICER Pune, and also major MBBS colleges of India. I have also worked as a JRF, that is Junior Research Fellow, in IISc Bangalore for some time. Right. Hello Vishnu, hello Alok, hello Kushal. Nice to see you all here. Right, Abhi, Hanji. हाँ जी बिल्कुल. तो आज हम लोगों का, आपको पता है, स्पेशल क्लास भी होने वाला है ऐप में. आज सैटरडे है, तो 5 to 6 जैसे ये सेशन खत्म हो जाता है आपका, उसके 1 घंटे बाद 5 बजे मेरा स्पेशल क्लास भी होगा आज, ठीक है? तो स्पेशल क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन्स. सारे विटामिन्स, इतने सारे जो है, नाम नहीं याद रहता है ना, बहुत तकलीफ होती है ना नाम याद रखने में. तो मैं निमोनिक्स दूंगी आपको कि कैसे याद रख सकते हैं उसको. फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. और उसके साथ डिसऑर्डर्स भी, है ना, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं आपके विटामिन से, वो सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल. बेटा आकाश, जेनेटिक्स आपके बॉटनी का पार्ट है, तो आपकी बॉटनी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है? सो अनएकेडमी के स्पेशल कोर्सेज में आपको क्यों आना है, आपको पता है, लाइव क्लासेस चल रही है. आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी वो लिया भी होगा, राइट? वो लोग आपने अटेंड भी किया होगा. हाँ जी, 11 फ्रॉम नीट. हाँ हाँ, यू कैन डू इट प्रभात, नो प्रॉब्लम. यू कैन कवर 11, 12, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट फर्स्ट फोकस ऑन 11th, राइट? बिकॉज यू विल बी गिविंग योर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल, है ना? तो आप दोनों ही कर सकते हो, 11th भी 12th भी. यहाँ पे सारे टारगेट चलते हैं, जैसे अभी नीट 2020 चल रहा है, फिर 2021 भी होता है और 2022 भी होता है ना? तो हम सब नीट 2020 में हम 11th 12th दोनों पढ़ाएंगे. नीट 2021 के लिए आई ओनली टीच फॉर 12th पोर्शन, एंड नीट 2022 आई टीच फॉर 11th पोर्शन एंड 12th बोथ अगेन, ठीक है? तो हम सारा कुछ पढ़ेंगे. इट्स योर विश, नो प्रॉब्लम. हाँ जी, यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली प्रभात, नो प्रॉब्लम. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि आपके इस अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन बेटा बेटर होता है ना? आपने देखा होगा वहाँ पे 2 कॉलम, एक कमेंट्स वाली सेक्शन होती है, क्वेश्चन वाली. तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे डाल सकते हो, टॉपिक पढ़ाते हुए जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डाल सकते हो. आपको जो भी डाउट है तुरंत मैं वो डाउट आपकी क्लियर कर दूंगी, राइट? फिर वहाँ पे लाइव पोल्स भी होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया होगा, है ना? PYQs किया है हमने बहुत बार स्पेशल क्लास में, है ना? तो ऐसे ABCDs मैं क्वेश्चन दे दूंगी, MCQs का ABCD ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर आपको चूज करना है. आपको लाइव पोल्स मिलेंगी और वो लीडर बोर्ड में आपके साथ शेयर भी कर सकती हो. वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज भी होती है, जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे आपको खुद आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो. आपको पता चलेगा कि आपको कितनी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. हेलो अभिक्रम, हाय. ओके परफेक्ट. ओके प्रभात, वंडरफुल. ओके राइट, सो नाउ टेस्ट सीरीज होती है वहाँ पे, जैसे मैंने बोला, तो यू कैन सी हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू नीड फॉर दैट. एंड वहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं. ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के. और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या फिर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए, उसे इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस में जाना पड़ेगा. तो प्लस जो है वो उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है. फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस, बेटा जो मैं आज भी लेने वाली हूँ स्पेशल क्लास एक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जस्ट अगर आपने डाउनलोड किया हुआ ये ऐप, तो आप आराम से आ सकते हो. प्लस कोर्सेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. जस्ट आप नीट UG क्लिक कीजिए, क्योंकि यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन.
सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही फ्री और बहुत ही अफोर्डेबल है, जैसे आपके आपको पता है कि अगर आप नीट 2022 के लिए अपीयर 2020 के लिए अपीयर कर रहे हो इस साल के लिए, तो ये तीन जो ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप वन ईयर के लिए लेना चाहते हो, सपोज आप नेक्स्ट ईयर अपीयर करोगे, तो आप ये 2500 पर मंथ ले सकते हो वन ईयर का। टू ईयर्स का सपोज आप दो साल बाद देने वाले हो नीट, तो आप 1500 पर मंथ। तो देखो बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें, बहुत ही कम है, है ना। इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आपने ये जो मेरा नाम है SWAGATA, जस्ट सिंपल सा इस नाम को एज अ कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% और भी ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। इमरान, बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी चल रहा है, कल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स का आधा पार्ट कर चुके हैं, है ना। सिर्फ बचा है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड और आपकी एंजाइम, जो हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। वो फ्राइडे सेशन है ना आपकी, जो यूट्यूब स्पेशल फ्राइडे। और आपका कल बायोमोलिक्यूल्स का जितना भी मैंने पढ़ाया था कल यस्टरडे, उसका कल टुमारो स्पेशल ऐप में क्वेश्चनेयर होने वाला है। ठीक है, सो टुमारो विल बी हैविंग अ क्वेश्चनेयर ऑन बायोमोलिक्यूल्स पार्ट वन इन द अनअकैडमी ऐप। ठीक है, तो आप वहां पे आ सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। सो वी आर मूविंग ऑन टू आर चैप्टर टुडे, टू आर टॉपिक टुडे। बिफोर दैट आई होप यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ऐप ग्रुप, है ना। उसका बस ये वाला लिंक है हमारा, इस लिंक को आप टाइप कीजिए, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। ठीक है, वंडरफुल। वहाँ स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, दोनों का ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, दैट इज नथिंग बट योर एनिमल टिश्यू का जो लास्ट पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू, वो हम पढ़ेंगे। तीन टिश्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनर है, क्योंकि हम आज एनसीईआरटी भी डिकोड करते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे, साथ साथ में मैं अपना भी नोट्स आपको देती जाऊंगी। ठीक है, वंडरफुल, परफेक्ट गाइस। ओके, हेलो, ओके, वंडरफुल, हेलो आलोक। ओके, हाँ जी, कब से है स्पेशल क्लास आलोक? स्पेशल क्लास तो शुरू हो गया है, आज का स्पेशल क्लास 5 बजे है। ठीक है, 5 बजे, 5 o'clock आपका आज है। ठीक है, ओके, हेलो एलेक्स, हेलो दीपेंद्र, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल गाइस। सो आई एम गोना स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एपिथेलियल टिश्यू, क्यों उसको एपिथेलियल बोलते हैं? एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन समथिंग, किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर? जो बाकी के टिश्यूज है। तो अब तक हम मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ चुके हैं, नर्वस टिश्यू पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, तो इन सारे टिश्यूज के ऊपर आपको एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर दिखेगा। इसका काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रोटेक्शन देता है, राइट, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग लेयर्स को, अंडरलाइंग टिश्यूज को। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, मैंने जूम की हुई है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, ये जूम है अभी फिलहाल। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। नॉर्मली पूरे टिश्यू को हम एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम बना किस चीज से होती है, किस चीज की होती है? बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। सो दिस टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना ब्लड वेसल ले लिया, ब्लड वेसल का जो इनर लाइनिंग है उसको मेंडोथेलियम बोलते हैं। तो वो किसको फेस कर रहा है? बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है। कौन सी बॉडी फ्लूइड? ब्लड। आउटसाइड सच अस स्किन, स्किन भी आपकी एक एपिथेलियल टिश्यू है। ये किसको फेस कर रहा है? एनवायरमेंट को, आउटर एनवायरमेंट को, इसलिए आउटर एनवायरमेंट बोला यहाँ पे, आउटसाइड एनवायरमेंट। तो ये किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू के ऊपर आपको ये मिलेगी, ठीक है, राइट। इसके बारे में मैं और डिटेल्स में नीचे लिखी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते विष्णु, वंडरफुल। नाउ दिस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, इनसाइड। तो इंटरसेलुलर मतलब दो एपिथेलियल सेल के बीच में गैप है ही नहीं, ऑलमोस्ट दोनों एकदम चिपकी हुई है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक आपकी सिंपल हो गई, है ना, सिंपल एपिथेलियम, और एक कंपाउंड। सिंपल का मतलब क्या है? वो सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल सेल, एक सॉरी सेल, एक 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 करके सेल मिला के एक सिंगल लेयर बनाया हुआ है। कंपाउंड मतलब क्या है? एक लेयर, उसके ऊपर एक और एपिथेलियम लेयर, एक और एपिथेलियम लेयर एंड सो ऑन। तो उसने मल्टीपल लेयर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इतना हमने जो पढ़ा है, चलो इसके बारे में ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको अभी बताया कि एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। मैं सारे सेल्स के डायग्राम्स मेरे पास है, सेल जंक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे, इसे ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आपकी कल मेंटिक्विज नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि इस बार फ्राइडे को मेंटिक्विज नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे को हम स्पेशल यूट्यूब फ्राइडे करते हैं, तो मैंने मेंटिक्विज को शिफ्ट कर दिया है, अब मंडे और थर्सडे होगा, ठीक है। तो दिस कमिंग मंडे वी आर गोइंग टू हैव एन
एपिथेलियल टिश्यू वाला मेंटी क्विज, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ लो क्योंकि इसी का मेंटी क्विज आने वाला है, चारों के चारों टिश्यूज का होगा, ठीक है? वंडरफुल। नाउ आपने अब तक तो ये पढ़ा होगा कि आपकी जो मस्क्यूलर टिश्यू थी उसकी ओरिजिन क्या थी, मीजोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन क्या थी, मीजोडर्मल, मतलब मीजोडर्मल जर्मिनल लेयर से आपकी ये दोनों टिश्यू बनती है, कौन कौन, कनेक्टिव और मस्क्यूलर। बट जो न्यूरल टिश्यू थी या नर्वस टिश्यू थी वो एक्टोडर्मल ओरिजिन थी, राइट? लेकिन एपिथेलियल टिश्यू को आपको तीनों का तीनों ओरिजिन मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एपिडर्मिस ऑफ स्किन ले लिया, आपका स्किन का जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये क्या है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है? एंडोडर्मल क्या हुआ, एंडोडर्मल इज इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, आपकी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है, ये सारे एंडोडर्मल ओरिजिन है, वो भी तो एपिथेलियल टिश्यू है ना। सो इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ओके। नाउ मीजोडर्मल क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन उन एपिथेलियल टिश्यू का है जो आपकी ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम इज दी इनर सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है जी, बढ़िया, परफेक्ट। हाँ जी, एंडोडर्म हम जर्मिनल लेयर को बोलते हैं, ये जो तीनों लिखा है ना, डर्म डर्म डर्म, दीज आर नथिंग बट योर जर्मिनल लेयर। हमने अभी पढ़ा था ना, जब मैं 12th का पढ़ा रही थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि गैस्ट्रुलेशन में ये तीनों जर्म लेयर बनते हैं। हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था कि जिनके पास एक्टो एंडो होता है उनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिनके पास एक्टो एंडो मीजो होता है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ये है क्या, ये सारे जर्मिनल लेयर्स हैं। एम्ब्रियो में ये तीनों जर्मिनल लेयर पहले बनते हैं और फिर एक एक जर्मिनल लेयर आपकी पूरी ऑर्गन बनाती है, जैसे आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज, आपका ब्लड, ये सारी चीज़ें किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है। आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल वो कौन बनाती है, आपकी एंडोडर्म बनाती है, ठीक है, ऐसा है, परफेक्ट। आपकी पूरी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है, एक्टोडर्म से वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो आपकी एपिथेलियल सेल है, अपॉन क्यों बोला है, बिकॉज दे आर द सेल लेयर प्रेजेंट और कवर अदर बॉडी टिश्यूज, दूसरे बॉडी टिश्यूज के ऊपर होती है। मैं स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखाऊंगी। एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे डिमार्केट, मतलब ये अलग कर रही है, सेपरेट कर, डिमार्केशन का मतलब होता है टू सेपरेट, किसको सेपरेट कर रही है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मिल्यू। मिल्यू का मतलब क्या होता है, मिल्यू इज नथिंग बट एनवायरमेंट, ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को ये सेपरेट कर रही है, जो कि जरूरी है, ठीक है, देखेंगे कैसे। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन भी देता है ये, राइट? जैसे मैंने बोला, स्किन आपका जो है इंटरनल ऑर्गन्स को, इसके नीचे जो भी लेयर है, मसल लेयर है आपका, फिर नीचे ब्लड वेसल, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अगर आपका स्किन नहीं होता तो आपकी इंटरनल ऑर्गन, सपोज मसल आपकी बाहर दिखती है ना, तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है आपकी बॉडी को, ऊपर से, अंदर से नहीं है, अंदर तो आपका एंडोस्केलेटन है ही, राइट? फिर और क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, इंजरी या फिर स्क्रेपिंग ऑफ, ओके, इंजरी ड्यू टू स्क्रेपिंग ऑफ, ओके, स्क्रेपिंग ऑफ। तो आपको जब चोट लगती है, सपोज सुपरफिशियल चोट लगी, तो आपकी स्किन पहले जाती है, राइट? इंटरनल ऑर्गन्स को तो सबसे पहले नहीं होता है ना चोट, तो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी दे रहा है इस तरह से, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन भी ये करता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, कोई भी न्यूट्रिएंट्स या बायोमोलिक्यूल्स, जो आपने जो खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, वो ब्रेक डाउन होकर आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में, सपोज आपने खाया, वो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो करना है, या फिर वो ल्यूमिन से डायरेक्ट पास हो जाएगी थ्रू फीकल मैटर, ऐसा नहीं है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर भी जाएंगी, है ना, बढ़िया, चलो। और सिक्रीशन भी करता है, जैसे कुछ ग्लैंड्स है आपकी बॉडी में, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, या गॉबलेट सेल्स हो गया, या म्यूकस सेल हो गया, या स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सारी की सारी बनी किस चीज़ से होती है, आपकी एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये क्या काम करता है, सिक्रीशन। तो चलो ये हम देख लेते हैं कि ये कैसे एक्सटर्नल इंटरनल मिल्यू को सेपरेट करता है। तो हम एक एपिथेलियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू नहीं, टिश्यू तो बहुत सारे सेल से बना हुआ था, राइट? तो देखो, ये आपका सपोज एक आपकी एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये आपकी एपिथेलियल सेल है, ये आपकी दूसरी एपिथेलियल सेल है, और देखो कितनी साइड बाय साइड वो अरेंज्ड है, राइट? देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट, इन दोनों सेल के बीच में जगह कितनी कम है, मैट्रिक्स ही गायब है, ठीक है,
सपोज ये एक और एपिथेलियल सेल हो गई आपकी, ठीक है, एक और एपिथेलियल सेल हो गई यहाँ पे, ओके। अब ये सारी की सारी एपिथेलियल सेल किसी चीज के ऊपर रेस्ट कर रही होगी, किसी लेयर के ऊपर रेस्ट कर रही होगी, क्योंकि हम यूजुअली क्या जानते हैं, आपकी जो एपिथीलियम है या एपिथीलियल टिश्यू है, इट इज ए वास्क्युलराइज या नॉन वास्क्युलराइज, ठीक है। एपिथीलियम इज नॉन वास्क्युलराइज, मतलब इसमें ब्लड वेसल आता ही नहीं है। तो अगर ब्लड वेसल आ ही नहीं रहा है तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है? आपकी मसल्स में भी ब्लड वेसल है, आपके नर्वस सिस्टम जो है, आपकी टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, उसमें भी ब्लड वेसल है, आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी ब्लड वेसल्स प्रोवाइड हो रही है, सबको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, बस इस बेचारे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बचेगा कैसे? इसको भी तो जिंदा रहना, इसको भी तो ग्रो करना है, इसको भी तो माइटोसिस मियोसिस शो करना है, राइट? हाँ जी, परफेक्ट, माइटोसिस शो करना है। तो कैसे करेगा ये, क्योंकि ये तो नॉन वास्कुलराइज्ड ब्लड वेसल है ही नहीं, तो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा इसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो एवरी एपिथीलियम या एपिथीलियल सेल, दे आर रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का दो पार्ट होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऐसी क्या चीज है जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है? तो चलो पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। सो दिस इज योर बेसल लैमिना। और नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज योर रेटिक्यूलर लैमिना, ओके, रेटिक्यूलर लैमिना। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं सारे के सारे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रेजेंट है। गुड आफ्टरनून पल्लवी, ओके, परफेक्ट। नहीं बेटा कुणाल, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ब्लड वेसल नहीं होती है, मैं बता रही हूँ कहाँ पे होती है, एक मिनट रुक जाओ आराम से। सो दिस इज कॉल्ड एज योर रेटिक्यूलर लैमिना, ठीक है, रेटिक्यूलर लैमिना। इन दोनों ने मिलके बनाया हुआ है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो बोथ ऑफ दीज लेयर्स, दे कंप्राइजेस द बेसमेंट, दे फॉर्म द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। नाउ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन हियर, इट इज, ये दोनों चीजें बनी किस चीज से होती है? ऐसा ही तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, किसी चीज से बनी होगी। तो यह बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोपॉलीसैक्राइड, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैक्राइड, ओके। तो म्यूकोपॉलीसैक्राइड क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड कर रही है आपकी ऊपर वाली लेयर को। कौन है ऊपर वाला लेयर? आपकी एपिथेलियल सेल लेयर को। इसके अलावा कुछ और भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके अलावा और क्या होता है? कुछ कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं फॉर्म अटैचमेंट के लिए, ठीक है, कोलाजन फाइबर्स। अब तो आपकी म्यूकोपॉलीसैक्राइड ग्लाइकोप्रोटीन तो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ऊपर वाली सेल को, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी तो ब्लड वेसल की जरूरत है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैरी कौन कर रहा है? आपका ब्लड वेसल, राइट, ब्लड के थ्रू कैरी हो रहा है। तो ये आपकी ऊपर की जो सेल थी, ये जैसे कि मैंने बताया, दिस इज योर एपिथेलियल सेल एंड दे आर रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड एवरी एपिथेलियल सेल, जस्ट अ सेकेंड, मैंने एपिथेलियम लिख दिया गलती से, इट शुड बी एपिथेलियल सेल, जस्ट अ सेकेंड, एपिथेलियल सेल, एवरी एपिथेलियल सेल इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाकी टिश्यूज के ऊपर रहती है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगी? इसके नीचे आपकी प्रेजेंट है सपोज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। सपोज हम स्किन की बात कर रहे हैं, ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे आपकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, सच एज एरियोलर टिश्यू, उसके नीचे क्या है? मसल। हमने पढ़ा था ना कनेक्टिव टिश्यू में, दैट एरियोलर टिश्यू इज कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू वो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपकी स्किन को मसल के ऊपर चिपकाने में। आप जब स्किन को तोड़ोगे, अंदर मसल दिखा, तो उसके बीच में आपकी एरियोलर टिश्यू भी है, राइट? तो ये सपोज आपकी अंडरलाइन, दिस इज नथिंग बट योर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यू। एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू, वी नो दैट इट इज इनर्वेटेड बाय ब्लड वेसल। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे है, ठीक है, यहां से ये आपकी सपोज ब्लड वेसल हो गई, यहां से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है यहाँ पे, फिर यहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है ऑक्सीजन, और फिर यहां से डिफ्यूज होता है एक एक सेल में, ठीक है। इस तरह से आपकी एपिथेलियल सेल को भी ऑक्सीजन मिल गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गई, कुछ एनर्जी आपकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही थी बेसमेंट मेम्ब्रेन से। समझ में आया? परफेक्ट, वंडरफुल।
राइट यस बेटा, कार्टिलेज का मैट्रिक्स इज एवास्क्यूलर, द मैट्रिक्स इज एवास्क्यूलर इन कार्टिलेजेस. ओके, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट इन द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. सो वी आर मूविंग ऑन. ये एपिथेलियल टिश्यू का था. अब ये एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सपोज बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके ऊपर कैसे दिखाऊं, क्या है, हाँ चलो इसका, चलो मैं मोबाइल दे देते हैं. तो सब इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है आपका एपिथेलियल सेल. तो ये ऐसे घूम तो नहीं रहा है, ये एकदम फॉर्मली अटैच भी करना है, वरना ये खोल के गिर भी सकती है. तो इसको फॉर्मली अटैच किसने किया हुआ है, इसको अटैच किया हुआ है बेटा कुछ सेल जंक्शंस ने. तो हम आज सेल जंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो देर आर सर्टेन सेल जंक्शंस जो ऐसे अटैच किया हुआ है, ठीक है, और एक सेल दूसरे सेल से भी अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है, याद रहेगा. ये सेल जंक्शंस के टाइप भी हम पढ़ेंगे. ये सिर्फ अटैचमेंट फॉर्मली अटैच ही नहीं कर रही, और भी बहुत सारी फंक्शन करती है, वो हम देखेंगे, ठीक है. अब देखो, हर एक एपिथेलियल सेल का, एवरी एपिथेलियल सेल हैज अ, ये सपोज आपकी एपिथेलियल सेल थी, फिर से मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ, ठीक है, ये आपकी एपिथेलियल सेल थी. ओके, और ये एपिथेलियल सेल वॉज रेस्टिंग ऑन वॉट, इट वॉज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है. तो सपोज ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर नीचे, सॉरी. हर एक एपिथेलियल सेल का दो पार्ट होता है. ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो आपकी एक्सटर्नल मिल्यू को फेस कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, अभी हमने पढ़ा था ना, डिमार्केट्स बिटवीन द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट. तो देखो, बाहर का एनवायरमेंट, सपोज ये आपकी स्किन है, बाहर के एनवायरमेंट और इंटरनल जो आपकी बॉडी के एनवायरमेंट है, इन दोनों को रिमार्केट कर रही है, ठीक है. अब सपोज करो कि आपकी स्टमक की एपिथेलियम है, तो यहाँ पे फूड था, ये ल्यूमिन था सपोज, है ना, और यहाँ पे आपकी अंदर की टिश्यू है, उसको भी वो सेपरेट कर रही है, गॉट इट. अब देखो, ये जो बाहर की एनवायरमेंट या ल्यूमिन को फेस कर रही है आपकी एपिथेलियल टिश्यू की पार्ट, उसको हम बोलते हैं अपाइकल पोर्शन. ये आपकी हो गई अपाइकल पोर्शन. और जो पार्ट ऑफ द सेल इज अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेजो लैटरल पोर्शन, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है. ओके, परफेक्ट. अब देखो, हर एपिथेलियल टिश्यू को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना, ये किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है, देयर शुड बी अ बेसिस, राइट. सो इट इज बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के हिसाब से हमने उनको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, शेप एंड फंक्शन भी, ठीक है. तो एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि ये चीज दी हुई है या नहीं. चलो जल्दी से वापस जाके एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं. अरे कहाँ गया एनसीईआरटी, ये रहा, चलो परफेक्ट. तो मैं एक बार जूम कर रही हूँ इसको और दिखा देती हूँ, ठीक है. ओके, अब देखो, देखो एक तो उन्होंने सिंपल एंड कंपाउंड मैंने आपको बता दिया था. अब देखो, बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियम जो था सिंगल लेयर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन क्या, उनके मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, मतलब शेप क्या है, फंक्शन क्या है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ठीक है. तो हमें इन तीनों के बारे में भी डिस्कशन करना है, और मैंने सारे का स्ट्रक्चर भी ले रखी है, उसका फंक्शन क्या है और कहाँ प्रेजेंट है, ये चीजें हमें देखनी है. तो चलो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट. तो आपकी सिंपल जो थी, ये क्या थी, आपकी सिंगल लेयर थी, एक सिंगल लेयर था, है ना, और आपकी कंपाउंड क्या थी, इट वॉज मल्टीपल लेयर. मल्टीपल लेयर को हम लोग एक और चीज भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्ट्रैटिफाइड. ओके, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये होता है लेयर बाय लेयर, बहुत सारा लेयर, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, क्या हो गया, राहुल है ना आपका नाम, रोहन या राहुल है शायद, आरजे. तो टेलीग्राम पे नहीं मिला क्या, अपडेट नहीं हुआ क्या, अरे ठीक है मैं देखती हूँ, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं. याद रखो बेटा कि 3 बजे क्लास होता है, तो आ जाए करो 3 बजे, ठीक है. तो चलो, तो मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द शेप एंड फंक्शन इसको डिवाइड किया हुआ है. तो आपका एक हो गया स्क्वामिश, एक हो गया आपका क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. ये जो एक्स्ट्रा दो है, ये कुछ नहीं है, इन्हीं की फिर क्लासिफिकेशन है. तो मैं चलो आपको इसमें समझा देती हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, मैं बताती हूँ. तो स्क्वामिश जो है, सबसे पहले इट इज फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड सेल है, ठीक है, और इसका ये इतना, इट इज वेरी मच थिन, फ्लैटेंड इसलिए थिन है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, देखो फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन मेकिंग थिन मेम्ब्रेन.
तो अगर आपने इसका सरफेस व्यू साइड व्यू देखा, साइड से अगर व्यू देखा, सो दे लुक समवॉट लाइक दिस, ऐसे पेवमेंट की तरह दिखता है और बीच में एक सर्क्यूलर न्यूक्लियस है, ऐसे यहाँ पे एक और है जो अटैच्ड है उससे, है ना। मैंने बोला था उनकी इंटर सेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम है, ये एक और है सपोज, ठीक है, ये एक और है सपोज, ऐसे बहुत सारे सेल एक लेयर में अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस। अब ये इतना थिन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होगा ऑब्वियसली नथिंग बट यहाँ पे ये डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल गैसेस का डिफ्यूजन, O2 CO2 डिफ्यूजन के लिए मुझे ये थिन मेम्ब्रेन चाहिए, कहाँ प्रेजेंट होगा आपके लंग्स की एल्वियोलाई में, और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है आपकी ब्लड वेसल में, वहाँ भी तो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूज होकर आपकी दूसरी बॉडी पार्ट में जा रही है ब्लड से, राइट। ओके, सो डिफ्यूजन, फिर एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ों के लिए हमें स्क्वामस एपिथीलियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपकी एक्सटर्नल सपोर्ट, जैसे आपकी जो ऊपर की स्किन लेयर है वो भी स्क्वामस है, ओके। कभी कभी, और ये आपका बाय द वे साइड व्यू है, यहाँ पे जो आपको दिख रही है यहाँ पे एक सेल है, ये साइड व्यू है, ऐसे ही बहुत सारी स्क्वामस जब एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर बनाती है तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड। हम अभी बात करें सिंपल, तो सिंपल और कंपाउंड दोनों में ही आपको स्क्वामस का शेप मिलेगा। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर ऑफ स्क्वामस है, और आपकी स्क्वामस में स्ट्रेटिफाइड में क्या होगी, बहुत सारी स्क्वामस की लेयर, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो पेवमेंट सेल है, इसको हम पेवमेंट बोल रहे हैं राइट, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पेवमेंट, है ना। ये कभी कभी क्या होती है कि इनकी जो बॉर्डर है वो ऐसे वेवी पैटर्न शो करता है। कैन यू सी द वेवी पैटर्न, ये देखो ऐसे वेवी पैटर्न शो करता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट अंडरगोज द फॉर्मेशन ऑफ विलाई, विलाई जैसा फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टेसेलेटेड, टेसेलेटेड स्क्वामस एपिथीलियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेसेलेटेड की जरूरत क्या है, ठीक है। टेसेलेटेड होने की, ये नॉर्मली काम कर रहा था ना सीधा सीधा, ठीक है, एपिथीलियम नॉर्मली काम कर रहा था ना सीधा सीधा, यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा था, राइट, O2 आ रहा था, CO2 बाहर जा रहा था, ऐसे करके मूवमेंट हो रही थी। तो इसकी क्या ज़रूरत है, देखो ये वाला जब होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ गया, सीधा होता तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया कम थी, स्ट्रेट होता तो, अब देखो यहाँ पे कितना सरफेस मिल गया O2 को, मोर सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है, तो चलो प्रेजेंट देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट वेयर नथिंग बट योर एंडोथीलियम, है ना, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, एंडोथीलियम में प्रेजेंट है ये आपकी, फिर आपकी प्रेजेंट है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ओके जी, ठीक है, परफेक्ट, ओके, अच्छा ओके, राहुल है, अच्छा अच्छा परफेक्ट वंडरफुल, हाँ जी, ये चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है, द्रक्षा, फोर्थ है क्योंकि बिकॉज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन विथ कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल, वो हो गया, दिस वॉज द लास्ट वन दैट वॉज रिमेनिंग, सो वी आर एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, ओके। उसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट चेंबर, ठीक है, हार्ट चेंबर के इनर लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, ये ग्लोमेरुलस है क्या, ये भी तो ब्लड वेसल का ही पार्ट है ना, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन इस एरियाज में आपको मिलेंगे, जहाँ जहाँ डिफ्यूजन हो रही है वहाँ वहाँ आपको ये मिलेगी, ठीक है। दूसरा आपका अभी आ गया क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल क्यों बोलते हैं, क्यूबॉइडल बिकॉज ये क्यूब लाइक शेप है, तो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रही होगी, है ना, क्यूब लाइक शेप है इसका, ठीक है, तो ये स्क्वायर टाइप ऑफ शेप है विद अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, सो दिस इज क्यूब लाइक, इसीलिए क्यूबॉइडल बोलते हैं, विथ राउंड न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर, ओके, एट द सेंटर, ठीक है, परफेक्ट वंडरफुल, हेलो शशिकांत, ओके गाइस, नाउ क्यूबॉइडल का काम क्या है, मोस्टली इसका काम क्या होता है, ये कुछ सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो ये सिक्रीट करता है, ठीक है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, इसकी रैपिड माइटोटिक डिवीजन भी होता है कुछ कुछ क्यूबॉइडल सेल का, रैपिड माइटोटिक डिवीजन शो करता है,
ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है चलो देख लेते हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सो दे आर फाउंड नथिंग बट इन द PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, आपने पढ़ा होगा ना यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। तो आपकी PCT एंड DCT ऑफ नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेम चीजें आपकी NCERT में भी लिखी हुई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ इसके अलावा ये और कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, आपकी जो भी ग्लैंड हो गई, आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, आपकी स्वेट ग्लैंड हो गई, उनकी जो डक्ट्स है या पैनक्रियास हो गया, उसके डक्ट्स में ये सेल प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल लाइनिंग है। इसके अलावा ये और कहाँ प्रेजेंट होता है, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट जर्मिनल एपिथेलियम, हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, राइट। वहाँ पे मैंने आपको टेस्टिस एंड ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने जब ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ाया था, सबसे पहले हमने शुरू किससे की थी, जर्मिनल एपिथेलियम से, राइट। जर्मिनल एपिथेलियम अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्माटोगोनिया और यूगोनिया, है कि नहीं। तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी भी आपका बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। तो ये आपकी क्यूबॉइडल है। फिर आता है जो तीसरा वाला शेप है, दैट इज नथिंग बट योर कॉलमनार। तो कॉलमनार का भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या प्रेजेंट है। तो कॉलमनार का कैसा होता है, इट इज टॉल एंड स्लेंडर, ठीक है, इसीलिए कॉलमनार है। ये आपकी कॉलमनार सेल है सपोज, और इसकी न्यूक्लियस ऐसे बेस में प्रेजेंट है, इट्स एन इलोंगेटेड वन। देखो यहाँ भी न्यूक्लियस इलोंगेटेड है ना, सर्क्यूलर नहीं है। सो आपकी ये क्या है, दिस इज अ टॉल एंड स्लेंडर सेल विथ एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, विथ एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल, नॉट एट द सेंटर। क्यूबॉइडल में कहाँ था, ये बीच में प्रेजेंट था, सेंटर में, एंड इट वॉज सर्क्यूलर, राउंड शेप था, ठीक है। ये राउंड शेप नहीं है, इलोंगेटेड है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, हाँ जी, समझ में आ रहा है, परफेक्ट। नाउ अब कॉलमनर एपिथीलियम का काम क्या है। कॉलमनर एपिथीलियम एक तो दो तरह का होता है, यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे देखा था ना, एक मिनट, ये देखा था ना हमने सीलिएटेड, है ना। तो सीलिएटेड कॉलमनार का एक सीलिएटेड होता है, एक नॉन सीलिएटेड। तो चलो हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट है उसका, चलो, ओके। नाउ कॉलमनार, एज आई सेड, कि या तो सीलिएटेड होगा। सीलिएटेड का मतलब क्या है, इस सेल के ऊपर यू गेट टू सी नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सीलिया। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सपोज ये आपकी कॉलमनर एपिथीलियल सेल है, ये आपकी एक और कॉलमनर एपिथीलियल सेल है, ये आपकी एक और कॉलमनर एपिथीलियल सेल है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये उसके न्यूक्लियस सेट है ना, ओके, परफेक्ट। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, किसी किसी में सीलिया प्रेजेंट है, तो ये आपकी क्या हो गई, दिस इज नथिंग बट सीलिएटेड। फिर किसी किसी में सीलिया प्रेजेंट नहीं है, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नॉन सीलिएटेड। इन दोनों का लोकेशन भी हमने देखना है कि फंक्शन के हिसाब से कहाँ, तो ये आपकी हो गई नॉन सीलिएटेड, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन सीलिएटेड वाले, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल टाइप, ठीक है, सेल ग्लैंडुलर। तो ये आपकी क्या हो गई, ये ग्लैंडुलर हो गई, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपकी सीलिएटेड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सो लेट सी दैट कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। सीलिया जब भी होगा वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, आपकी फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में होता क्या है, किसको मूव करता है, वो नथिंग बट ओवम को, राइट। सो दिस इज प्रेजेंट इन योर फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा क्या ये और जगह पर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, कौन सा पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, आपकी ब्रोंकाई में ये मिलेंगी, ठीक है, ब्रोंकाई में ये मिलेगी, ठीक है जी, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ हाँ जी बिल्कुल, और इसके अलावा कहीं और भी मिल सकती है, दैट इज योर यूटेरस, ठीक है, यूटेरस भी मिल सकती है। नॉन सीलिएटेड कहाँ पे प्रेजेंट है, चलो नॉन सीलिएटेड का देख लेते हैं। नॉन सीलिएटेड इज लोकेटेड, इसका कोई मूवमेंट से लेना देना नहीं है, तो ये करेगा क्या, मोस्टली सिक्रीशन वगैरह करेगा। तो ये दोनों आपकी नॉन सीलिएटेड में ही आ गई है ना, क्योंकि ग्लैंडुलर में कहाँ सीलिया प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी गॉबलेट सेल है ना, गॉबलेट सेल, फिर आपकी म्यूकस सेल,
ये सब कहाँ प्रेजेंट है? गॉबलेट म्यूकस आपकी प्रेजेंट है ऑब्वियसली, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ पे आपको ये दिखेंगे, ठीक है, परफेक्ट। सो ये आपकी हो गई कॉलमनर एपिथेलियम। फिर आता है आपका एक और जो यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट था, एक मिनट मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने कॉलमनार तो देख लिया, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार और स्क्वामस देख लिया, ठीक है। इसका सीलिएटेड नॉन सीलिएटेड भी मैंने बता दिया, ये देखो सीलिएटेड ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, यूटेराइन ट्यूब दैट इज फैलोपियन ट्यूब यूटरस में प्रेजेंट है, नॉन सीलिएटेड कहाँ पे प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक में, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपकी म्यूकस सेल वगैरह में प्रेजेंट है। एक और आपका आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं। सबसे पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, यहाँ पे ही मैं दिखा देती हूँ आपको बना के, कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आपको, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड, बट स्यूडो मतलब फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको ऐसे बड़ी सी सेल दिखेगी, कुछ छोटी सेल दिखेगी, फिर आपकी एक बड़ी सेल है यहाँ पे, है ना, टॉल सेल, एंड देर आर सर्टेन स्मॉलर सेल्स, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर लेयर्ड बट दे आर नॉट। देखो सारे के सारे जो छोटे सेल है, दिस इज दी स्मॉल सेल, स्मॉल सेल विथ राउंड न्यूक्लियस, विथ राउंड न्यूक्लियस जो आपकी सेंटर में प्रेजेंट है, एंड दिस इज योर टॉल सेल विद अ स्लेंडर और टॉल सेल विथ अ इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज योर टॉल सेल विथ इलोंगेटेड न्यूक्लियस। स्ट्रेटिफाइड तब होता है जब सारे के सारे लेयर्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक और लेयर है, तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिला क्या? नहीं मिला ना। यहाँ देखो सारे के सारे सेल शेयरिंग द सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो ये आपको मिलती कहाँ पे है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एग्जाम्पल देख लेते कहाँ पर, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है। इट इज फाउंड इन योर एपिडीडाइमिस, ये एपिडीडाइमिस में मिलता है, ठीक है, क्या हो गया समझ में आ रहा है, हाँ जी। उसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ट्रैकिया, ओके, ट्रैकिया में मिलता है। उसके अलावा कहाँ मिलेगा, वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस, ये भी आपकी एक एक्सेसरी डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके अलावा आपकी नेजल कैविटीज में भी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटीज क्या है आपकी, ये नेजल चेम्बर, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटीज में भी प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो ये आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो हमने सिंपल के सारे पार्ट पढ़ लिए, राइट, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, देन सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड भी हमने देख लिया कॉलमनार का, और हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी देख लिया, ओके। अब आ जाते हैं आपके क्यूबॉइडल में, कंपाउंड में। तो कंपाउंड जो है उसका मतलब ही होता है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो उसकी दो पार्ट है कंपाउंड में, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, एक आपकी हो गई स्ट्रेटिफाइड, ओके, एक आपकी हो गई स्ट्रेटिफाइड, एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इसके बारे में भी हमें बात करना है। एक तो समझ लो ये सारे के सारे ऑब्वियसली मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, ओके। तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड थी। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। स्ट्रेटिफाइड के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, ओके, एक आपकी होती है केराटिनाइज्ड, ठीक है, केराटिनाइज्ड। नाउ केराटिनाइज्ड ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है राइट साइड पे, ये आपकी केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड क्यों, क्योंकि इसमें कुछ लेयर्स होती है। सबसे जो टॉप मोस्ट वाला लेयर होता है, इट इज मेड अप ऑफ नथिंग बट डेड स्किन लेयर, एक डेड स्किन लेयर से बनी हुई होती है। क्या है उस डेड स्किन लेयर का नाम, इट इज नथिंग बट स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट मोस्टली इट इज फिल्ड विद केराटिन, ठीक है। तो केराटिनाइज्ड आपको कहाँ मिलेगा, इट इज यूजुअली फाउंड इन योर हेयर, है ना, हेयर, देन नेल्स, फिर आपकी हॉर्न्स वगैरह जो होती है कुछ एनिमल्स में, गोट एंड ऑल, काउस में आपको हॉर्न दिखती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड को यूजुअली हम ड्राई भी बोलते हैं, ड्राई एपिथीलियम भी बोलते हैं, ठीक है, डेड स्किन लेयर है, हॉर्न्स, फिर आपकी, जस्ट अ सेकेंड, हॉर्न्स एंड देन हूव्स। हूव्स मतलब क्या होता है, जो आपने हॉर्सेस या कैटल्स में देखा है ना, दे वॉक ऑन देयर हूव्स, राइट। तो हूव्स में भी आपकी सारी की सारी केराटिनाइज प्रेजेंट है, उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम है। दूसरा लेयर क्या होता है उसका, दूसरा लेयर इज नथिंग बट योर स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम।
तो ये स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम है क्या? दिस इज नथिंग बट योर स्क्वामस, दिख रहा है ये थिन लेयर है, बहुत थिन है। तो थिन वाले क्या होते हैं आपके जो फ्लैटेंड होते हैं, इट इज स्क्वामस। ये स्क्वामस कहाँ से आए, किसने बनाया है? ये इस बीच वाले लेयर से बना, ये बीच वाला लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेटम लूसीटम। ओके, स्ट्रेटम लूसीटम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडिएट। तो ये आपके सारे के सारे कौन से सेल है, देखो क्यूबॉइडल सेल है ना, क्यूब लाइक शेप है। ओके, और ये बने किससे है, ये नीचे वाले सेल से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट अ स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, तो ये आपकी, ये भी क्यूबॉइडल है, तो ये डिवाइड होके इसने बनाया ये स्ट्रेटम लूसीटम वाला, इसने फिर मल्टीप्लाई होके बाद में बनाया है स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम, स्क्वामस शेप चेंज हो गई। फिर ये स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम के जो पार्ट है, दे डाई एंड देन आफ्टर दे डाई दे बिकम दिस डेड स्किन, ये डेड स्किन है जो कि रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड में इसको हम बोलते हैं यूजुअली वेट एपिथीलियम, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिलता है, आपकी इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, राइट? सो आपकी बकल कैविटी में ये मिलेंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट टू सी नॉन केराटिनाइज्ड इन योर इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ये सारी कंपाउंड है, लेयर्ड है। ठीक है, लेयर्ड है, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। नाउ अब ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, स्ट्रेटिफाइड जो केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज, तुमने देखा। ट्रांजिशनल क्या है, देखो ट्रांजिशनल सिंपली आपकी, ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, हाँ जी कौन सी, क्या हो गया सबको, हेलो हेलो नरेंद्र, परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, देन हेलो कार्तिक, वंडरफुल। ओके ना, सारे टारगेट का राज्य को इसने पूछा है चैम, सारे टारगेट के क्लासेस अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो जो टाइम आपकी 11th की टारगेट का जो टाइम है वहाँ पे आपका डाइजेशन शुरू, डाइजेशन वाला चैप्टर होगा, राइट? मैं कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकती हूँ, ये आपकी नीट 2020 के लिए चल रहा है, तो उनका भी हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। ओके ना, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है, राइट? आपको अगर सपोज लाइक एयरपोर्ट में जो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए बसेस होती है ना, वो फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल में ले जाती है, जो बड़ी बड़ी वाली एयरपोर्ट्स होती है, तो एक जगह, या फिर आप बस स्टेशन में कभी गए हो, एक बस स्टॉप से एक और बस स्टॉप में भी आपकी बसेस ले जाती है, तो इसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। या फिर ट्रेन्स, हम लोग बोलते हैं ना डेली पैसेंजर जो कर रहे हैं, हम ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। यहाँ पे ट्रांजिट का मतलब क्या है कि एक सेल का शेप, एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होना। ठीक है, तो कहाँ पे ये लोकेशन होती है, आपको यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, राइट? तो सपोज ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, सपोज दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक आपकी छोटी सी ट्रायंगुलर कैविटी होती है। ठीक है, दिस ट्रायंगुलर कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज दी ट्राइगोन, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। ये छोटी सी जो कैविटी है, इसी में यूरिन कलेक्ट होता है। तो अभी फिलहाल तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है, ठीक है, अब धीरे धीरे यूरिन आएगा तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, आपका ट्राइगोन फिर से कंप्लीटली फिल हो जाएगा, है ना? तो सपोज आपकी फुल वाली ऐसी हुई है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखो ट्राइगोन का शेप क्या हो गया, ट्राइगोन का जो शेप है देखो, ये अभी थोड़ा स्ट्रेच हो गया, क्यों? क्योंकि अभी इट इज फिल्ड, राइट? सो दिस इज अ फुल यूरिनरी ब्लैडर। तो इतनी सारी जगह बची हुई थी, अभी देखो जगह कम हो गई ना, तो सेल्स क्या गायब हो गई, उड़ के चले गए यहां से? बिल्कुल नहीं। इसमें सेल का क्या हुआ मैं बताती हूँ, एक मिनट, हाँ ये मैं रब कर दूं फिर बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो सेल्स थे आपके, वो आपके क्यूबॉइडल सेल्स थे। ठीक है, पहले आपकी जो ये यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ नथिंग बट दिस क्यूबॉइडल सेल लेयर। अब ये क्या हो गया, स्ट्रेचिंग की वजह से देखो सेल का शेप चेंज हो गया। कैन यू सी अब ये कैसे बन गए, ये फ्लैटेंड हो गए हैं। कैसे फ्लैटेंड हो गए, तो इसका नाम क्या देंगे हम, जैसे ये फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड सेल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस। तो ये क्या था आपकी, क्यूबॉइडल था, क्यूबॉइडल शेप था, क्यूबॉइडल से इसका शेप क्या चेंज हो गया, स्क्वामस, है ना? तो ये फिर से जब आपने अपनी ब्लैडर को एम्प्टी कर दिया, डिवॉइड ऑफ, वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर मतलब यू नो आपने यूरिन एक्सक्रीट कर दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, फिर से ये वापस डीस्ट्रेच हो जाएगी। तो देखो ये इस शेप से इस शेप में बार बार घूम रही है, ट्रांजिट कर रही है, डू यू अंडरस्टैंड? इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ओके, हेलो राजकुमार, गुड इवनिंग, हेलो हरीश,
हर्ष सॉरी ओके सो कैन यू सी हियर टिश्यू नॉट स्ट्रेच्ड क्या था ये क्यूबॉइडल था टिश्यू इज स्ट्रेच्ड नाउ क्या बन गया स्क्वैमिश बन गया कहाँ पे प्रेजेंट है मतलब ये फिर आपकी एग्जाम्पल क्या है ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लडर इसके अलावा जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है जैसे यूरिनरी ब्लडर हो गया यूरेटर भी हो गया आपका ठीक है या यूरिथ्रा हो गया ये सारी की सारी आपकी बनी हुई है ट्रांजिशनल एपिथीलियम से समझ में आया पावरफुल वंडरफुल ओके अब लास्ट आपका फंक्शन अब ये सारे प्रोटेक्शन दे रही थी कोई कुछ सीक्रेट नहीं कर रहा था अभी फिलहाल एक ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी करेगा गॉबलेट सेल कर रहा था ऑब्वियसली तो गॉबलेट सेल भी ग्लैंडुलर एपिथीलियम के अंदर आएगा तो चलो देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम का काम क्या है ठीक है ओके ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऑब्वियसली दे एक्ट लाइक ग्लैंड एंड दे डू सिक्रीशन ओके सो दे शो एक्सक्रीशन सॉरी सिक्रीशन तो ये सिक्रीट करेगी क्या सिक्रीट करेगी चलो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स इनको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं ए बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल ने मिलके ग्लैंडुलर एपिथीलियम को बनाया है एक ने बनाया बहुत ने बनाया इस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे एक यूनिसेल्यूलर एक मल्टी सेल्यूलर ठीक है तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर तो इसका भी मैं दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसके डायग्राम से मैं दिखा दूंगी दूसरा बेसिस ऑफ पहले हम सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ग्लैंडुलर का बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ सिक्रीशन ठीक है मोड ऑफ सिक्रीशन एंड आपकी जो लास्ट है दैट इज सॉरी सी जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट तो इन तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं तो पहला वाला पहले पढ़ लेते फिर हम ये बाकी के दोनों भी पढ़ेंगे ठीक है ओके फर्स्ट आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज बेस्ड ऑन नथिंग बट नंबर ऑफ सेल अब देखो यहाँ पे एक अकेला जो सेल है ये गॉबलेट सेल दिख रहा है आपको ये गॉबलेट सेल अकेला ही सिक्रीट करता है क्या सिक्रीट करता है गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है राइट सो इट इज सिक्रीटिंग वॉट म्यूकस हियर तो ये अकेला सेल ही रिलीज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ओके यूनिसेल्यूलर ग्लैंड हो गया एक ही सेल से बनी हुई है अब यहाँ देखो ये जो है मल्ट बहुत सारी सेल है ये एक सेल है ये एक सेल है ये एक सेल है ये सारे सेल ने मिलके अपना सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज किया ये सिक्रीशन फिर जाके रिलीज होगा तो ये आपकी क्या हो गई मल्टी सेल्यूलर ओके मल्टी सेल्यूलर चलो यूनिसेल्यूलर का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया गॉबलेट सेल मल्टी सेल्यूलर का हेलो हरिकेश ओके वंडरफुल हेलो दिशांत वंडरफुल नाउ मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए आपकी सलाइवरी ग्लैंड तो बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है सो वी हैव सलाइवरी ग्लैंड हियर उसके अलावा कुछ और है क्या बिल्कुल है स्वेट ग्लैंड ठीक है स्वेट ग्लैंड भी आपकी मल्टी सेलुलर में आता है उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड ठीक है मेमोरी ग्लैंड भी आपकी मल्टी सेलुलर के अंदर आता है ठीक है तो ये आपका ए वाला हो गया फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देख लिया दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पे बी में क्या था मोड ऑफ सिक्रीशन ओके तो मोड ऑफ सिक्रीशन में तीन तरह के आते हैं एक हुआ मेरोक्राइन तो मेरोक्राइन में देखो जो भी सिक्रीशन यहाँ बनी थी वो सिर्फ सिक्रीशन ही बाहर आ गई डिफ्यूज होके सो देर इज डिफ्यूशन ऑफ दी सिक्रीशंस जो सिक्रीशंस है उनके अंदर जो वो सिक्रीट कर रहे हैं सिक्रीटरी एजेंट वो डायरेक्ट डिफ्यूज हो गई एंड नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट सेल का कोई भी पार्ट लूज नहीं हुआ है नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट ठीक है तो ये किस में प्रेजेंट होती है आपकी मोस्ट स्वेट ग्लैंड्स आपकी जितनी भी स्वेट ग्लैंड्स है वो आपकी मेरोक्राइन टाइप है डायरेक्टली सेल से डिफ्यूज हो गई ठीक है इंटैक्ट सेल इंटैक्ट का इंटैक्ट रह गया सिर्फ उसकी सिक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आ गई दूसरी आपकी क्या होती है एपोक्राइन में क्या होता है सिर्फ अपाइकल पार्ट ही देखो छोटा सा सेल का पार्ट भी निकल आ गया सिक्रीशन के साथ साथ सो कैन यू सी द पिंच्ड ऑफ अपाइकल पोर्शन ऑफ द सेल यहाँ पे क्या हुआ ओनली द अपाइकल पोर्शन ऑफ द सेल comes out along with its secretion ठीक है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी कौन से आपके ग्लैंड ऐसे होते हैं
दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल वुड बी योर मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के जितने भी मेमोरी सेल्स है डक्ट आपके लोब्स के अंदर, ये सारे एपोक्राइन टाइप है. ओके, सो मेमोरी ग्लैंड आपकी हो गई एग्जाम्पल किसकी, एपोक्राइन की. लास्ट आता है आपका होलोक्राइन. होलो का मतलब क्या होता है, एंटायर, कंप्लीट. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो पूरी की पूरी सेल ही निकल के आ गई, और यहाँ पे क्या चल रहा है अभी इस एरिया में, ये क्या चल रहा है, माइटोटिक डिवीजन. मतलब इस सेल ने माइटोसिस करके एक और सेल बना दिया, जो क्योंकि वो सेल गायब हो गई थी ना, उसको रिप्लेस भी तो करना है, राइट. ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. हरितेश, मेरोक्राइन एंडो एग्जो से नहीं रिलेटेड है. मैंने क्या बोला अभी कि ये बी वाला क्या है, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ सिक्रीशन. किस तरह का सिक्रीशन कर रहा है, क्या ये पूरा का पूरा सिक्रीशन के साथ उसने अपना सेल को निकाल दिया, या कुछ भी नहीं सेल निकला, या आपकी अपाइकल पोर्शन निकल गई उससे. एग्जो एंडो को मीरो होलो और एपो से कंफ्यूज मत करो, उसका बेसिस अलग है एग्जो और एंडो का, इसके बाद ही आएगा अभी सी वाला. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन वेदर डक्ट इज प्रेजेंट और डक्ट इज एब्सेंट. ठीक है ना, सो इसमें माइटोटिक डिवीजन से रिप्लेस हो गई. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपकी, द एंटायर सेल इज लॉस्ट. ओके, अलोंग विथ इट्स सिक्रीशन. सिक्रीशन नहीं लूज हुआ, सिक्रीशन तो बाहर आया, टारगेट ऑर्गन में चला गया. ठीक है, अलोंग विथ इट्स सिक्रीशन. चलो, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, इसके एग्जाम्पल में नीचे लिख रही हूँ, ऊपर जगह नहीं है. सो योर सेबेशियस ग्लैंड, जितने भी आपकी ऑयल ग्लैंड है, सेबेशियस इज नथिंग बट ऑयल ग्लैंड, ये सारी की सारी आपकी क्या है, होलोक्राइन टाइप ऑफ है. ठीक है, अब आता है सी. सी बेसिस ऑफ क्या था आपका, वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डक्ट और नॉट. अगर डक्ट प्रेजेंट है हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जोक्राइन. तो दिस इज विथ डक्ट. तो इसमें दिख रहा है आपका कैसे बना, ये आपकी नॉर्मल सिंपल एपिथीलियम एक लेयर था, सिंपल है ना, एक ही लेयर था. फिर देखो पहले हम ये वाला फॉलो करेंगे फिर दूसरा देखेंगे. ठीक है, बेसल, उसका बेसल लामिना था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन कनेक्टिव टिश्यू था. अब देखो वो प्रोलीफरेट हुई, प्रोलीफरेशन का मतलब क्या, मल्टीप्लाई की, बहुत सारी सेल बनी, धीरे धीरे और बनी और बड़ी हुई, और धीरे धीरे देखो इसने बीच में एक डक्ट भी बना लिया. तो कैन यू सी द डक्ट हियर, डक्ट है. तो ये डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन में ले जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सलाइवरी ग्लैंड ले लो, हमने सलाइवरी ग्लैंड का पढ़ चुके हैं, राइट. सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया आपका, सपोज आपकी पैरोटिड ग्लैंड थी, पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट था ना आपकी स्टेंसन्स डक्ट, वो कहाँ पे लाके सीक्रीशन को रिलीज कर रहा था, आपकी बकल कैविटी में. सो बकल कैविटी आपकी टारगेट ऑर्गन है, टारगेट जगह है, वहां पे कैसे कौन लेके आ रहा है, डक्ट लेके आ रहा है. ठीक है, तो वो आपकी हो गई एक्सोक्राइन. एग्जाम्पल क्या है आपके एक्सोक्राइन की, यू हैव सलाइवरी ग्लैंड, अभी मैंने बताया इसकी डक्ट होती है. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, देन आपकी मेमोरी ग्लैंड भी है. मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क उसका सिक्रीशन है. तो मिल्क वो सिक्रीट कहाँ पे कर रही है, आउटसाइड, राइट, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट वो बाहर जा रही है, राइट. तो आपकी मेमोरी ग्लैंड भी हो गई यहाँ पे, है ना, मेमोरी ग्लैंड हो गई. देन उसके अलावा और क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी स्वेट ग्लैंड, उनकी भी स्वेट ग्लैंड की भी होती है डक्ट, और डक्ट कहाँ खुलती है, आउटसाइड, स्किन के बाहर. ठीक है, आपकी डर्मिस में प्रेजेंट है और स्किन के बाहर खुल रही है उसकी डक्ट. ठीक है, उसके अलावा क्या है आपकी पैनक्रियास का एक पार्ट है एसिनार. इफ यू रिमेम्बर हमने अभी अभी पढ़ा था, है ना, डाइजेशन वाले चैप्टर में, कि पैनक्रियास इज हेटरोक्राइन, क्योंकि उसकी उसके पास दोनों है, एक्सोक्राइन पार्ट है जो एसिनार है, उसके एसिनार डक्ट क्या लेके आता है, एंजाइम. याद रखना कि एक्सोक्राइन हमेशा एंजाइम सिक्रीट करती है, मोस्टली और एंजाइम उसकी सिक्रीशन होती है. ठीक है, मैं मोस्टली लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, और आपकी एंडोक्राइन में क्या होती है, मोस्टली इट इज हॉर्मोन्स. ओके, हॉर्मोन्स रिलीज होती है एंडोक्राइन में. अब इनके पास क्या, देखो वही सेम चीज हुआ, यहाँ भी डिवीजन हुआ, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन के सेल बने, लेकिन ये अलग हो गया पूरा का पूरा. देखो यहाँ डक्ट अटैच्ड नहीं है इससे, ये पूरा का पूरा अटैक्ट इससे अलग हो गया. सो डिसअपीयरेंस ऑफ द डक्ट, तो गायब हो गई. अब ये कैसे रिलीज करेगी, इसके पास कोई डक्ट ही नहीं है, तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट ब्लड वेसल में डाल देगी. तो ब्लड वेसल क्या है आपका, ये देखो ये ब्लड वेसल आपका कैपिलरी इज अ ब्लड वेसल, है ना. ओके, परफेक्ट. हाँ जी, क्या हो गया, यस, एवरीथिंग इज फॉर नीड, दिस इज फॉर नीड 2020 टारगेट. ओके, सो इट इज गोइंग टू रिलीज इट सिक्रीशन. ये इसने कहाँ पे डाले आपके सिक्रीशन, कैपिलरीज में डाले, फिर ये ब्लड क्या करेगा, लेके जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए आपके एंडोक्राइन. तो एंडोक्राइन में क्या हो गया आपका, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट ही नहीं होते. तो ये क्या करते हैं, दे पोर देयर सिक्रीशन, पोर देयर सिक्रीशंस, दैट इज योर हॉर्मोन्स, डायरेक्टली इन टू द ब्लड.
डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड फिर इसको टारगेट ऑर्गन में लेके जाती है इनटू द ब्लड. फॉर एग्जांपल आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया प्रोलैक्टिन, आपने आपने पढ़ा है ना प्रोलैक्टिन इज अ पिट्यूटरी हार्मोन. ये हार्मोन किस पे टारगेट करती है, आपकी मेमोरी ग्लैंड पे. क्या करती है, इट हेल्प्स स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. तो कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड और कहाँ मेमोरी ग्लैंड, तो कौन ले, कोई डक्ट कनेक्शन नहीं है, कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है. उसने पिट्यूटरी ने ब्लड में डाल दिया, ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है, तो आपके मेमोरी ग्लैंड में भी लेके आ गया प्रोलैक्टिन, और मेमोरी ग्लैंड में क्या हुआ, आपकी मिल्क की प्रोडक्शन शुरू हो गई. ठीक है, ओके. LH और FSH सोच लो. FSH क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. रिलीज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी. कौन है टारगेट ऑर्गन उसका, ओवरी. तो कहाँ पिट्यूटरी और कहाँ ओवरी, है ना, तो ब्लड उसको लेके जा रहा है. तो आपके एग्जांपल क्या क्या हो गए, अगर इफ यू वांट टू राइट द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन, ऑब्वियसली वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, उसके अलावा कुछ और है, हाँ जी है बिल्कुल, हाइपोथैलेमस है आपका. ठीक है, उसके अलावा कुछ और है, थायरॉयड. ठीक है, उसके अलावा थायरॉयड के अलावा क्या हो गया आपका, थाइमस, है ना. और आपकी पैनक्रियास की भी एक पार्ट है. पैनक्रियास का कौन सा पार्ट है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमने एंडोक्राइन का ऑलरेडी एक लेक्चर लिया था, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ नटशेल बोल के है, इसी नीड बॉय चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उसको. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो एपिथेलियल टिश्यू का ये सारे पार्ट थे. अब हमने सेल जंक्शन के बारे में मैंने आपको बोला था अभी शुरुआत में, राइट, कि ये जो आपकी एपिथेलियल सेल है इसको अटैच होके रखना है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और आपकी एक दूसरे से भी इसको अटैच होना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी दो एपिथेलियल सेल है, दिस इज एन एपिथेलियल सेल, दिस इज ऑल्सो एन एपिथेलियल सेल. सो दीज आर एपिथेलियल सेल्स, ये दोनों एक दूसरे से अटैच करके रखती है. तो किस तरह के अलग अलग सेल जंक्शन होते हैं, तो देखो पहले तो हमें याद रखना है कि सेल जंक्शन आपको दो जगह दिख रही है, वन इज बिटवीन टू सेल, दोनों सेल को अटैच की हुई है, एक को एक सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच की हुई है. तो दो तरह की सेल जंक्शन हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. सपोज ये आपका एक सेल है, ये आपकी दूसरी एपिथेलियल सेल है, ठीक है, एंड दे आर ऑल रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सपोज बेसमेंट मेम्ब्रेन को चलो एक और कलर से बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, परफेक्ट. हाँ जी, ओके, हाँ जी, एंडोक्राइन सिर्फ हार्मोन, हाँ जी, हार्मोन रिलीज करेगा, यस हरिकेश, दैट्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड ना. अब देखो, एक आपकी सेल टू सेल जंक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल टू सेल जंक्शन, क्योंकि दोनों सेल के बीच में हो है ये जंक्शन. दूसरा आपका जो जंक्शन है दैट वुड बी बिटवीन, ये सपोज आपकी सेल है यहाँ पे, ये आपकी दूसरी सेल है, ओके, और सपोज ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और एक और जंक्शन जो मैं बता रही थी आपको, इट इज बिटवीन द सेल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जंक्शन. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जंक्शन. अब इन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर देयर फंक्शन, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका टाइट जंक्शन. तो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये टाइट जंक्शन है. टाइट जंक्शन का काम क्या, सबसे पहले ये नाम ही देख लो, टाइट जंक्शन. इट डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ एनी साइटोप्लाज्म, इससे इधर मूव करना, इस सेल से, ये एक सेल है, जैसे सपोज सेल नंबर वन, ठीक है, ये आपकी सेल नंबर टू है इस साइड, यहाँ पे एक और सेल है, तो दी इस सेल से इसकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और इसकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंटरचेंज नहीं होगी. इसको कौन मेक श्योर करेगा, दैट वुड बी नथिंग बट योर टाइट जंक्शन. तो दैट इज व्हाट रिटन हियर, सील्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर इन एन एपिथेलियल शीट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स नथिंग बट योर एडहेरिंग जंक्शन. ओके, एडहेरिंग जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूजुअली वी कॉल इट एज जोन्यूला एडहेरेंस. दो तरह का होता है, एक जोन्यूला एडहेरेंस हो गया, एक आपका डेस्मोसोम हो गया. दीज आर बोथ एडहेरिंग जंक्शन. एडहेरिंग का मतलब क्या होता है, अटैच करके रखना एक सेल को दूसरे सेल से. तो देखो दोनों ने वही किया हुआ है, जोन्यूला ने क्या किया है, एक्टिन बंडल इन वन सेल टू अ सिमिलर बंडल इन अ नेबरिंग सेल, दे ज्वाइन देम टुगेदर. डेस्मोसोम ने क्या किया, उसने भी ज्वाइन किया, ज्वाइंस द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन वन सेल टू दोज इन द नेबर सेल. बस इन दोनों की कॉम्पोजिशन अलग है, एक आपकी एक्टिन से बनी हुई है, एक यूजुअली एक फिलामेंट से बनी है. फिलामेंट किस चीज की बनी है, केराटिन की बनी है.
ठीक है, प्रोटीन डिफरेंस है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. दोनों ने क्या किया, एडहेरिंग एडहेर करके रखा. तीसरा होता है आपका गैप जंक्शन. तो ये आपकी गैप जंक्शन है. ये गैप जंक्शन एक अकेला जंक्शन है जो मूवमेंट अलाउ करता है साइटोप्लाज्म में. आयंस वगैरह इंटरचेंज होते हैं. यही गैप जंक्शन आपको कार्डियक मसल के फाइबर्स के बीच में मिलेगी, तभी तो एक्शन पोटेंशियल एक फाइबर से दूसरे फाइबर में जाता है. ठीक है, वंडरफुल, ओके, परफेक्ट. हाँ जी, यस, करेक्ट. सो हियर वी हैव गैप जंक्शन विच अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्यूबल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. Na प्लस, Cl माइनस, K प्लस, ये सब मूवमेंट में हेल्प करता है. लास्ट आपका क्या आ गया, हेमीडेस्मोसोम. इसको हेमी क्यों बोल रहे हैं, हेमी का मतलब होता है हाफ. सो इट एक्ट लाइक अ हाफ डेस्मोसोम. क्यों, देखो ये आपका जो हेमी डेस्मोसोम है, इट इज सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. अभी मैंने आपको बताया ना कि दो तरह का जंक्शन होता है, एक सेल टू सेल और एक सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो हेमी डेस्मोसोम ही है जो सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था ना आपका, इसके साथ अटैच्ड है. तो यहाँ पे देखो डेस्मोसोम इस सेल में भी आधा है, इस सेल में भी है, तो ये कंप्लीट डेस्मोसोम बना रही है. लेकिन यहाँ देखो सिर्फ एक जगह पे है, सेल में है. ये तो सेल नहीं है ना, दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो हाफ ऑफ द डेस्मोसोम है. सो बाकी ये जो आपने पहले के पढ़े, ये चार, दीज आर ऑल योर सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में अटैच्ड है, जो मैंने अभी बताया. सिर्फ हेमी डेस्मोसोम आपका सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैचमेंट शो करता है. ठीक है, यस, दे आर ऑल एडहेरिंग. जैसे ही आपने डेस्मोसोम नाम सुना, समझ जाना कि एडहेरिंग है. एडहेरिंग का मतलब क्या होता है, टाइटली अटैच करके रखती है. ठीक है, तो ये आपकी पूरी, और ये सब चीजें हम एपिथेलियल सेल्स में देखते हैं. ओके, सिर्फ आपको डेस्मोसोम और गैप जंक्शन मसल टिश्यू में दिखेगा. ओके, मसल टिश्यू, कौन सा मसल टिश्यू, आपका कार्डियक मसल टिश्यू, तो वो एक एक्सेप्शन है. बाकी सारे सेल जंक्शन मोस्टली आपके एपिथेलियल टिश्यू में ही दिखते हैं, एपिथेलियल सेल्स के बीच में. ठीक है, वंडरफुल, परफेक्ट. सो दिस इज अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू. तो आपका एनिमल टिश्यू हो गया नीट 2020 टारगेट का. आप, मैंने ऊपर आपकी एनसीईआरटी की भी मैंने अटैचमेंट की थी, एनसीईआरटी का जो लाइन है, जो वहां लिखा हुआ है सेम हमने यहाँ पे पढ़ा है आज. ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मंडे को इसका मेंटी क्विज होने वाला है, क्योंकि इस फ्राइडे हुई नहीं, और यूजुअली फ्राइडे आप नहीं होगी. तो मैंने यूजुअली क्या बोला था आपको, कि मंडे एंड फ्राइडे रखा है ना मैंने, फ्राइडे यूट्यूब स्पेशल करते हैं, वहाँ पे मैराथन रन करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने उसको शिफ्ट करके थर्सडे कर दिया. सो नाउ एवरी टाइम ऑन मंडे एंड थर्सडे वी आर गोइंग टू हैव अ मेंटी क्विज. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे ऑन एपिथेलियल टिश्यू. नाउ वी आर डन विद द एनिमल टिश्यू चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद कॉकरोच, राइट, डे बिफोर यस्टरडे हमने कॉकरोच का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था. अभी हम फिर मंडे को भी कंटिन्यू करेंगे, है ना. नाउ टुडे, आज का मैं सेशन बता देती हूँ. इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका 5 बजे है स्पेशल क्लास में. क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, विटामिंस विद निमोनिक्स. मैं विटामिंस के निमोनिक्स दूंगी कि कैसे याद रख सकते हैं हम वहाँ पे, है ना, एंड विद द डिसऑर्डर्स, जैसे आप पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी, ये क्या है, ये सारी चीजें भी मैं वहाँ पे बताऊंगी स्पेशल क्लास में. फिर आपका नेक्स्ट सेशन आज का क्या है, 7 o'clock है यूट्यूब पे. ठीक है, किस चीज का है, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स. ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, प्लेसेंटल, प्लेसेंटा के बैरियर्स क्या क्या है, उसका टाइप क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ. ओके, सो फर्स्ट सी यू एट 5 o'clock इन द स्पेशल ऐप, स्पेशल क्लास इन द अनअकैडमी ऐप. तो आपको ऑलरेडी पता है कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सो जस्ट आप टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर, इंस्टॉल कीजिए उसको, क्लिक ऑन योर प्लस एंड देन क्लिक ऑन नीट यूजी इफ यू वांट टू गेट अ सब्सक्रिप्शन, एंड विच इज वेरी वेरी मच अफोर्डेबल, गेट द सब्सक्रिप्शन. आप यहाँ पे ये 3 ले सकते हो अगर आप इस साल अपियर कर रहे हो, ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल है. और अगर आप 1 साल के लिए चाहते हो, सपोज आप नेक्स्ट ईयर अपियर करोगे, तो 2500 पर मंथ 2 साल के लिए, और भी कम 1500 पर मंथ, इससे भी कम हो जाएगा अगर आपने प्लीज ये वाला यूज किया करो, आप ही को फायदा है, राइट. ये वाला जो कोड है SWAGAT, ये मेरा नाम है, use it as a code and then you're going to get 10% off on the total amount. Okay guys, so I'll see you at 5 o'clock, theek hai, today or at around, hanji, perfect, wonderful. Now we are going to, hanji, kya pucha Kunal, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं कुणाल, मैंने अभी बताया था ना, टाइट जंक्शन सेल टू सेल के बीच में होती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन जंक्शन सिर्फ एक ही होता है, सेल टू बेसमेंट, दैट इज योर हेमीडेस्मोसोम. ओके, टाइट जंक्शंस आर ऑलवेज बिटवीन 2 सेल्स. ओके, परफेक्ट. सो सी यू गाइज एट 5 o'clock. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. ओके गाइज, सी यू एट 5 o'clock ऑन द स्पेशल क्लास ऐप. बाय गाइज, टेक केयर.